सितारगंज सिडकुल की गुजरात अंबाजा फैक्ट्री में आज सुबह एक मजदूर की मौत हो गई। साथ काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री में मक्का से भरी गाड़ी के पीछे मृतक विपिन खड़े हुए थे, जो गाड़ी को अनलोड करने के लिए निर्धारित स्थान पर लगवा रहे थे। अचानक विपिन का पैर मक्का से भरी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया और गाड़ी का पिछला भाग विपिन के ऊपर चढ़ गया। तत्काल फैक्ट्री प्रबंधन की गाड़ी में विपिन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहां डॉक्टर ने विपिन की जांच की, लेकिन उस समय तक विपिन की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि मृतक विपिन की छाती में गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं स्थानीय पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये डोनी डाम बड़वार के है रहने वाले, विपिन नाम है इनका, और गाड़ी के नीचे गाड़ी बैक करवा रहे थे, उसके नीचे आ गए, पैर आ गया उनके। की तरफ से अभी ड्राइवर साहब आए थे लेके, और कोई नहीं आया था। वैसे थे ठेकेदार की तरफ से थे, शिवलाल कहाँ के, ये बिहार। विपिन कुमार इसका नाम है, पिता का नाम हीरालाल है, ये तुरुपुर पीलीभीत का रहने वाला है। ये गुजरात अंबुजा कंपनी में काम करता था, वहाँ इसके साथ घटना घट गई। ट्रॉली का ड्राला इसके सीने पर लगा है, उसी से इंटरनल ब्लीडिंग के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। हमने पुलिस से घोषणा कर दी गई आगे पोस्टमार्टम के लिए। फैक्ट्री की तरफ से हिलाया गया है, वो इसके साथ ही। अब तक के लिए बस यही, बने रहिए हमारे साथ।